गुजारिश करूंगी डॉक्टर उषा किरण जी से कि वे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद अमर जी। मंच पर आज से सभी सम्मानित विद्वजनों का और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम के आयोजकों ने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है। तो अभी मैं बहुत सुन रही थी आपको, चंद्रकांता जी, आदरणीय चंद्रकांता जी, बदला सिन्हा जी और अभी मेरे साथी मालवी जी ने बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं और बड़ी उथल पुथल सी दिमाग में हो गई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं अपनी समझ से आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत करूँगी। साहित्य धीरे धीरे हमारी चेतना को न केवल नव निर्माण अपितु परिवर्तन में भी विशेष योगदान देता है और साहित्य की सबसे महीन विधा कविता है उसे मनुष्यता की मातृभाषा कहा गया है। यहाँ हमें पहले विचार करना होगा कि अस्तित्व आखिर है क्या। वस्तुता कुछ विशेषताओं, व्यवहारों, भूमिकाओं से मिले जुले रूप को अस्तित्व कहा जाता रहा है, कहा जा रहा है। सौम्यता, सहानुभूति, संवेदनशीलता, सहनशीलता, विनम्रता, ममता, भावुकता, लचीलापन, क्षमाशीलता, लज्जा, ये सारे गुण स्त्रियों से जुड़े माने जाते रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक शरीर में स्त्री और पुरुष गुणाधिकता के कारण वैसे तो सभी में स्त्रित्व और पुरुषत्व दोनों ही गुण है, लेकिन स्त्रित्व गुणाधिकता के कारण स्त्री और पुरुष गुणाधिकता के कारण पुरुष बनते हैं। मेरे विचार से अगर आप संपूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं तो दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। थोड़ा अनुपात अलग होगा लेकिन स्त्रित्व में पुरुषत्व हो थोड़ा और पुरुषत्व में थोड़ा सा नारीत्व हो तो क्या बात है, संपूर्ण मनुष्य बन जाएगा। इसी की जरूरत है। आमतौर पर इसी प्रकृति को समाज में कमजोरी के रूप में देखा जाता रहा है, पर आज स्त्री काव्य में स्त्रित्व के पुराने मापदंडों को नकार कर नए मानदंडों को स्थापित कर सर्वप्रथम स्त्री मांग करती है हमें मनुष्य समझो, स्त्री बाद में पुरुष बाद में, पहले हमें मनुष्य समझो कि हम भी मनुष्य हैं, जो नहीं समझा गया पूरी तरह नहीं समझा गया, जो भी ये नहीं कह सकते कि नहीं समझा गया, कभी भी नहीं समझा गया, पता है नहीं समझा गया। तो पहली मांग तो ये है कि हमें मनुष्य समझो। आज सदियों पुरानी स्त्री की परिभाषा भी बदल रही है, सुंदर, सजीली, नाजुक, लज्जाशील, कुशल रहने में ही सिर्फ अस्तित्व नहीं है, कोई उसका बहुआयामी होना, कोई बुद्धिमान होना और कोई वह एहसास जो हमारे अंदर आत्मविश्वास पर हमारी क्षमता और दृष्टिकोण को विशाल बना दे, इसको मानता है। आज स्त्री शिक्षित है, कामकाजी है, वह घर और बाहर दोनों ही दायित्वों को बखूबी निभा रही है और जिसके कारण उसमें आज आत्मविश्वास, दृढ़ता, निर्णायक क्षमता, आक्रामकता भी आई है। कह सकते हैं कि उसका पुरुष तत्व भी थोड़ा प्रबल हुआ है, जो कि आज के माहौल से अच्छा है और जरूरी भी है। परंतु इस बीच, इन सबके बीच में कहीं वो अपने हृदय की कोमलता, ममता और लचीलापन ना खो बैठे, ये सतर्कता बहुत जरूरी है। जैसा कि आदरणीय दद्दा सिन्हा जी ने इंगित किया, बहुत अच्छी बात कही कि हमें पुरुष को पीछे नहीं करना है, उनको पराजित नहीं करना है, हम में विश्वास करो, हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमारी गरिमा के साथ अपनी गरिमा भी रखो, अपनी गरिमा के साथ हमारी गरिमा को समान समझो। तो ये चीज जो है ये बनी रहनी चाहिए, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। आज वर्जनाओं को तोड़कर वो अपने स्वयं रास्ते बना रही है। रंजना जायसवाल लिखती है, हाँ मैं बागी हूँ, समाज के बनाए चौकटों में फिट ना हो सकी, चाहा प्रेम के बदले प्रेम, समर्पण के बदले समर्पण, मैं विद्रोही हूँ। अगर विद्रोह है ये समान मांगना प्रेम के बदले में प्रेम, तो ठीक है मैं विद्रोही हूँ।
बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता वालों की ही बेटियां आज नए परचम लहरा रही हैं, स्त्री अस्मिता की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं। जैसे अभी आपने सुना कि वो साइकिल पे बैठने वाली बच्ची आज चार पहियों की साइकिल पर बैठी है, और जो पहले पगड़ी संभाल रही थी अपने बाप की, आज भारत माँ की पगड़ी संभाल रही है। तो उसका जो फलक है वो आज बहुत विस्तृत हो गया है। तो उनकी कविताएं स्त्री की जो कविताएं हम देखते हैं वो स्त्री अस्मिता की कविताएं हैं, और उसमें विस्तृत हम स्त्री फलक को हम देख सकते हैं। उनकी जो कविताएं हैं वो एक दृष्टि प्रदान करती हैं। वे कहती हैं, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ना होगा। बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन देखो तो ऐसे जैसे ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। दैहिक विमर्श स्त्रियों में पिछले कुछ दशाब्दियों में काफी मुखर रहा है। स्त्री विषय कविताओं में नई सभ्यता और समाज की परिकल्पना में जिसमें अधिक मानवता और समानता होगी, स्त्री व पुरुष के बीच तरह तरह के भेद समाप्त होंगे। नेहा नरोटा की कविता पार्वती की योनि से दैहिक विमर्श को एक नई सोच मिले, और सदियों तक नैतिकता की दैहिक शुचिता की जो सारी जिम्मेदारियां और के हिस्से आई, परंतु आज ये सोच काफी कुछ बदल रही है। स्त्रियों ने इससे इनकार कर दिया है। नेहा नरोटा लिखती हैं, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपने जीवन की शुरुआत किसी एक मर्द से करती हैं और उस मर्द के छोड़े जाने को जीवन का अंत समझ लेती हैं। मैं उन तमाम सती सावित्री नुमा लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। साहित्य व कलाओं में हमारी चेतना के निर्माण और परिवर्तन का सदा ही योगदान रहा है, और जिस तरह महिलाएं मुखर हुई हैं उस तरह पहले कविता में साहित्य में कभी भी नहीं इतनी हुई जितनी अब है। इतना ही अन्य जीवन के जो आयाम हैं जिसमें मन की अनुभूतियां, भाव, भाषा, इनका प्रयोग भी बहुत सक्रिय होकर कर रहे हैं। निर्मला पुत्र जैसे आपने भी कहा बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे भी उनकी कुछ पंक्तियों ने बहुत प्रभावित किया। बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता, तो वही सुधा उपाध्याय सावधान करते हैं। सावधान, 21वीं सदी की खानाबदोश औरतें तलाश रही हैं घर, सुना है वे अब किसी की नहीं सुनते, चीख चीख कर दर्ज करा रहे हैं अपने प्रतिशोध। आज संक्रमण काल है, और आज की कविता संक्रमण के इस दौर का बड़ी सतर्कता के साथ विश्लेषण कर रही है। दादी, उसकी दादी माँ नानी ने खुद अंधेरों में रह के उसके लिए खिड़कियां खोली, और आज स्त्री उन खिड़कियों से निकल के खुले आकाश में अपने विस्तृत पंख फैला कर जो संकोच और जो श्रृंखलाएं थी उनको तोड़ के रूढ़ीवादी परंपराओं से आज बाहर आ रहे हैं, और बहुत कुछ उन्होंने संभाल लिया है। फिर जो सत्तात्मक समाज में सिर उठाकर ऊपर चलने के लिए उन्होंने समर्थ हैं। लेकिन यहाँ फिर भी यही कहूंगी कि बहुत कुछ स्त्री ने उजाले ढूंढ लिए हैं, पर अभी बहुत से कोने बाकी हैं जहाँ पर रोशनी की किरणें पहुंचना बाकी हैं। तो हमें सिर्फ खुद ही रोशनी में नहीं रहना है, हमें उन अंधेरों किनारों कोनों तक में भी अपनी आवाज पहुंचानी है, अपने प्रकाश पहुंचाना है। यह हमारा जो हम समर्थ स्त्रियां हैं तो हम लोगों को ये बनता है दायित्व कि हम उस दिशा में प्रयास करें, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने हर तरह के प्रयासों के माध्यम से। आज स्त्री अपनी जीत जश्न का जीत मनाते हुए कहती है, मेरा कद मेरे बाप से ऊंचा निकला और मेरी मां जीत गई। आज सशक्त तेजस्वी बुद्धिमान प्रगतिशील होती स्त्रियों को पुरुष के समान होने की जरूरत नहीं है, अपनी गरिमामयी उपस्थिति के बनाए रखते हुए उसके समकक्ष चलने की आवश्यकता है, और वो पुरुष से चाहती है कि उसका नियंत्रण ना किया जाए, सहभागिता की अपेक्षा रखती है कि हमें हमारे साथ चलो, हमें विश्वास रखो। सुनीता गुरंग लिखती है, मुझे तलाश है ऐसे पुरुष साथी की जो ख्वाबों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि कर्मों में मेरे साथ हो। प्रेम बांटने से पहले प्रेम करना वह जाने, जिसे आता हो इज्जत देना। अब
आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, शायद चंद्रकांता जी ने कहा था कि यहाँ पुरुषों को भी होना चाहिए था सुनने के लिए। हम स्त्रियाँ बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं, तो ये घमासान.com के माध्यम से और सब जगह ये बातें जाएंगी, पुरुषों तक भी पहुँचेंगी, तो ये वही स्वर है और यही मांग करते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.